जिंदगी के सफर में आपका फिर से स्वागत है नितिन गोयल के साथ। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि ये सारे पॉडकास्ट मैं अपनी जीवन से रिलेटेड घटनाओं के हिसाब से बनाऊंगा, तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ऐसी ही घटना। घटना कहूँगा या इंसिडेंट कहो या ऐसी एक्सपीरियंस कहो, लाइफ की लर्निंग कहो, जिसमें बहुत कुछ एक ही सेंटेंस में छुपा हुआ है। अक्सर हमारे बड़े जो होते हैं ना, हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमें वो शब्द नहीं मिल पाते उनके पास, या हमारे पास टाइम नहीं होता उनके संग बैठ के बातें करने का। तो ऐसे बहुत कुछ होता है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जो आपसे मैं शेयर करता रहूँगा लाइफ लॉन्ग, जब तक तो मैं कर सकता हूँ, कि जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊँगा, कभी मेरे पापा के साथ, कभी दादाजी के साथ, कभी नाना जी के साथ, कभी ताऊ जी, कभी किसी दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंसिडेंट आपको शेयर करूँगा, जिसमें हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहा। आज मैं आपसे शेयर करता हूँ अपने उस टाइम के बारे में जब मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी और मैं लग गया किसी जॉब पे। मतलब जब तक हम लोग एजुकेशन सिस्टम में काम पढ़ रहे होते हैं ना, मतलब एजुकेशन ले रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब तक तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, हमारे पास टाइम ही टाइम होता है। हर फंक्शन पे, हर त्यौहार पे हम एक दूसरे के घर जा रहे होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हम तो फ्री भी हैं, मतलब जहाँ मर्जी ले चलो, फालतू ही पढ़े हुए हैं। लेकिन एहसास कब होता है? जब हमारी नौकरी लग जाती है, हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, और उस समय हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं। तो डेफिनेटली हम किसी के साथ अगर जुड़ गए हैं, तो डेफिनेटली किसी ना किसी के पास से हम थोड़ा हट गए हैं। तो ऐसे ही जब मैं नौकरी शुरू कर चुका था, तो उस समय एक फंक्शन आया, त्यौहार आए, और मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने नाना जी के घर गया। नानी जी थे, नाना जी थे उस समय, नाना जी अभी भी हैं, नानी जी नहीं रही अब, लेकिन उनसे मिलने के लिए गया तो बातें चल रही थी। ही यूज़ टू एडमायर मी, बड़ा खुश रहते थे मुझसे कि मैं अपने घर में पढ़ाई बहुत करता रहता हूँ, खुश रहता हूँ और हंसता रहता हूँ। तो मैंने ऐसे ही उनसे बात करी, नानी जी अब कैसे हो, उन्होंने बेटा तू कैसा है, सब बता बेटा कैसे चल रहा है, हाउ इज़ लाइफ गोइंग ऑन। ही इज़ मास्टर ऑफ इंग्लिश, मतलब बहुत अच्छे से इंग्लिश समझते हैं, समझाते हैं, एयर इंडिया से रिटायर्ड है। तो ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, उन्होंने ऐसे बोला, और बेटा लाइफ कैसे चल रही है, काम कैसे चल रहा है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया उनको कि नाना जी काम तो अच्छा चल रहा है, काम ठीक चल रहा है, नौकरी शुरू हो गई है, लेकिन मैं बिजी बहुत हो गया हूँ। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही बिजी हो गया हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा अपने लिए। मैं सुबह 8 बजे कॉलेज पहुँच जाता हूँ, शाम को 5 बजे आता हूँ, उसके बाद अपने काम चलाने के लिए ट्यूशन्स भी पढ़ा रहा हूँ, बिजी बहुत हो गया हूँ मैं। अब अगर आप मानेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं, अरे बेटा कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखो अपना, ऐसी बातें करेंगे ना। तो कई लोग हमारे जो वेलविशर होते हैं ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मेरे नाना जी ने ना मुझे एक ऐसी बात बोली उस समय जो मैं दिल पे, दिमाग पे ना बैठ गई जाके। मैंने जैसे उनको बोला कि काम अच्छा चल रहा है, नौकरी ठीक चल रही है, सेटल लग रहा है, लेकिन बिजी बहुत हो गया हूँ, तो उन्होंने मुझे कुछ ना इधर उधर की बातें नहीं करी, उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दी, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, इट इज़ गुड टू बी बिजी। मैं उनकी शक्ल देखता रहा, मैंने कहा मतलब? कहते इट इज़ गुड टू बी बिजी बिकॉज इफ यू आर बिजी देन यू आर वैल्यूड। आपकी वैल्यू तभी होगी जब आप बिजी होंगे, खाली इंसान की कभी वैल्यू नहीं होती। वो बात सोच के मुझे ऐसा लगा था, तब मेरी नौकरी करते हुए मुझे 2 या 3 महीने ही हुए थे सिर्फ, और वीकेंड पे हम गए थे वहाँ पे, और अचानक से ऐसा लगा कि हाँ बिजी तो होना अच्छी बात है, इसमें बुराई की बात क्या है। मतलब बड़ों ने कुछ हमें सिखाया, तो मुझे उनकी बात ऐसी लगी इम्प्लीमेंटेशन वाली, कि यस मैं गलत नहीं कर रहा अगर मैं बिजी हो गया हूँ तो। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो आसपास में, बहुत लोग बिजी हम बोलते हैं, अरे तो बिजी बहुत है यार, तेरे पास टाइम ही नहीं है, तो बहुत बिजी है, बहुत वैल्यू नहीं है, तो ये तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। कोई बात नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, वो बिजी हैं क्योंकि वो बिजी हैं, उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि वो बिजी जानबूझ के हुए, उनको टारगेट ही बिजी होना था। आज आप नौकरी कर रहे हैं, आज आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, छोटी पढ़ाई, एक्स्ट्रा पढ़ाई, प्रोफेशनल पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है बिजी होना। अगर आप बिजी नहीं हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। हर दूसरे दिन किसी को भी आप मिल रहे हैं ना, तो आप फालतू समझे जाएंगे।
बेटर नॉट टू बी दैट मच अवेलेबल टू एनीवन. बी बिजी, बी इन योरसेल्फ, हैव टाइम फॉर योरसेल्फ. ऑलराइट, सो प्लीज इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉडकास्ट, डू कमेंट, डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. क्योंकि आप जितना आगे दोस्तों को बढ़ाते रहेंगे, उतना मैं अपनी लाइफ के किस्से और आपको सुनाता रहूंगा. सो विश यू ऑल द बेस्ट टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.